अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत यम्मी सा, बहुत सॉफ्ट सा चिकन का कोफ्ता। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 200 ग्राम चिकन का कीमा है, जिसे हम मिक्सी के जार में बारीक एकदम पीस लिए हैं, क्योंकि हमें एकदम कोफ्ते के लिए एकदम बारीक कीमा चाहिए। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च पाउडर, तेज़ वाला, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1 टी स्पून है नमक, नमक भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1/2 टी स्पून है यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे 3 अदद मिर्ची को लेकर हम बारीक पीस लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अदद प्याज को लेकर हम मिक्सी के जार में बारीक पीस कर इसके सारे पानी को निचोड़ लिए हैं। आप देख सकते हो हमें इतना ही सूखा चाहिए, कोफ्ते में पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो देख सकते हो ऐसे ही सूखा सा हमें पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास है चने का बेसन। तो यहाँ पे जो मार्केट में भुना हुआ चना आता है, उसको लेकर हम मिक्सी के जार में फाइन सा पाउडर बना लिए हैं, उससे बहुत अच्छे से फ्लेवर आते हैं। तो उसको हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच। और यहाँ पे देख सकते हो 1 प्याली है बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। अब सारी चीज़ों को हम चिकन के अंदर डाल देंगे। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच डालेंगे मेल्टेड बटर। बटर से बहुत अच्छे से फ्लेवर आते हैं। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हो, अगर घी भी नहीं है तो तेल भी डाल सकते हो, लेकिन बटर से बहुत अच्छे से टेस्ट आते हैं। तो सारी चीज़ों को एक में डालकर अच्छे से हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम छोटे छोटे से कोफ्ते बनाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कोफ्ते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनते हैं। तो छोटे छोटे कोफ्ते बनाए, लेमन की साइज़ के कोफ्ते बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। उसके बाद फिर दिखाएंगे इसका हम फाइनल लुक। तो 200 ग्राम चिकन में बहुत सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो 200 ग्राम में कितने सारे चिकन कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें ले चलते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है, गैस के फ्लेम पे रख दिए हैं हम तेल, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे ले चलते हैं, फ्राई कर लेते हैं। तो गैस का यहाँ पर आप देख सकते हो तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून डाल दिए बटर, ताकि इसके थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाए। बटर से बहुत अच्छे से फ्लेवर आते हैं। तो एक एक करके हम सारे कोफ्ते को इसमें डाल देंगे। अगर आपने बहुत बड़े बड़े कोफ्ते बना लिए हैं तो एक साथ बिल्कुल ना डालें। यहाँ पर हम छोटे छोटे कोफ्ते बना लिए हैं और एक साथ ही डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास हम तेल डालकर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसे हम पलटेंगे, ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और इसे बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसे हम हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे फोक की मदद से या किसी चम्मच की मदद से इसे हम पलट देंगे। तो तकरीबन ये कोफ्ते को फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट जाएंगे। तो अब देख सकते हो कोफ्ते हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें फ्राई करना है, लो या हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें। तो देख सकते हैं हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, उलट पलट कर अच्छे से कलर भी आ चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, निकाल कर एक प्लेट में हम डाल देंगे। और फिर इसी पैन में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो देख सकते हैं तेल अभी बहुत ज़्यादा है, तो तेल को हम कम कर लेंगे, क्योंकि मसाले में बहुत ज़्यादा तेल रहते हैं तो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें सब आधा तेल हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बड़ी प्याज लेकर इसे हम फाइन सा पेस्ट बना लिए हैं। तड़के के लिए 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते हैं और 1/2 चम्मच ज़ीरा है, 8 से 10 अदद काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंग। अब इन सारे मसालों को हम डालेंगे तेल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 बड़े चम्मच सूखे दही, दही पानी वाला बिल्कुल ना ले। तो इसमें हम 3 चम्मच दही डालकर ये इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा सीक्रेट मसाला है, इससे बहुत अच्छे से हमारे कोफ्ते बनकर रेडी होंगे। तो देख सकते हो मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है और गैस के ऊपर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ये जो आप खड़े मसाले देख रहे हो, हम तेल के अंदर डाल देंगे। इसको हम कुछ देर तक चटकने देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और न मसाले हमारे सारे जल जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे इसे हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। यहाँ पे फिर डालेंगे प्याज के पेस्ट को, इसे भी हम तकरीबन गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए।
तो देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और ये हमें सारे मसाले को फ्लेम लो करके ही भूनना है। अब यहाँ पे जो हम सीक्रेट मसाला बना कर रखे थे उसको हम डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा कर इसे हम 6 मिनट तक छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर, ताकि हमारे मसाले अच्छे से सौंधे हो जाएं और अच्छी से खुशबू आने लगे। तो व्यूअर्स आप देख सकते हो 6 मिनट के बाद हमारे मसाले का लुक बहुत ज़्यादा यमी और एकदम मसालेदार एकदम मैं खुशबू वाला मसाला रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं डालेंगे थोड़े से पानी, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ज़्यादा पतला सालन पसंद है तो पानी ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पे 1 गिलास हम पानी डालेंगे, तो पानी को थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सारे कोफ्ते को। कोफ्ते डालने के बाद थोड़ा सा हाई फ्लेम पर इस अच्छे से उबाल आने के बाद फिर इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया के पत्ते। उसके बाद फिर से हम गर्म गर्म सर्व करते हैं। देख सकते हो फाइनल लुक हमारे चिकन कोफ्ते का, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी हमारे स्टाइल से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँच जाए। और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें, हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।